हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है वी कैंपस यूट्यूब चैनल में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय कृष्णा। जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हमें स्टडी कर रहे थे, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कहने का मतलब कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होती है, यानी अभिक्रिया की सांद्रता में इकाई में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहा जाता है। इसको स्मॉल आर के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं, डेल सी अपॉन डेल टी। यानी स्मॉल आर क्या होती है, रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी क्या होती है, कंस्टेंट सांद्रता होती है, उसमें परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। और जो पॉजिटिव साइन है वो हमने बताया था प्रोडक्ट के रेफरेंस में यूज लेते हैं, और नेगेटिव साइन है रिएक्टेंट के रूप में या रिएक्टेंट के रेफरेंस में काम में लिया जाता है। उसके बाद में आती है कि हम रेट को कोई भी अगर रिएक्शन है, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है फाइव बी आर माइनस प्लस बी आर ओ थ्री माइनस प्लस सिक्स एच प्लस, तो इसके द्वारा फॉर्मेशन होगा हमारे पास में थ्री बी आर टू प्लस थ्री एच टू। अगर इस रिएक्शन के बारे में हमारे को बोला जाए कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो रेट ऑफ जो रिएक्शंस होती है वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निकाली जाती है। जैसे अगर बी आर के लिए अगर निकालेंगे रेट ऑफ बी आर माइनस, तो इसके लिए तो पहले जो कॉन्स्टेंट होते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होती है, रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं। तो जो रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं उसको हमेशा बट्टा में लिया जाता है। इसके लिए रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, फाइव। तो क्या हो जाएगा, साइन के साथ ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए साइन यूज करते हैं हम माइनस का, तो माइनस वन अपॉन रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, स्टोइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज फाइव डी बी आर माइनस अपॉन डी टी। फिर रेट ऑफ बी आर ओ थ्री माइनस, तो इसके लिए रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है हमारे पास में, वन। तो वन अपॉन वन क्या होता है, वन, ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइन यूज करते हैं माइनस, तो डी बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डी टी। इसी प्रकार आप किसके लिए निकाल लेंगे, एच प्लस के लिए, तो एच प्लस के लिए क्या हो जाएगी आपकी रिएक्शन, रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, सिक्स, तो वन अपॉन सिक्स डी एच प्लस अपॉन डी टी। साइन कैसा यूज करेंगे, माइनस, क्योंकि ये भी क्या है, रिएक्टेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं ये क्या हमारे पास में, ब्रोमीन, तो रेट ऑफ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए साइन यूज करते हैं पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, थ्री, तो वन अपॉन थ्री डी बी आर टू अपॉन डी टी। ये किसके लिए आ गया हमारे पास में, ब्रोमीन के लिए। नेक्स्ट है वाटर के लिए, रेट ऑफ एच टू, तो इसके रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, थ्री, तो वन अपॉन साइन कैसा आएगा, प्लस, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट, तो प्लस वन अपॉन थ्री डी एच टू अपॉन डी टी। तो ये क्या है दोस्तों, कि कोई भी रिएक्शन होती है हमारे को, उसकी अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो सेपरेट हर स्टेप के लिए अलग अलग उसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है। कि जो रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं, जो आगे कॉन्स्टेंट होते हैं हमेशा, चाहे वो वन हो, टू हो, थ्री हो, जो भी हो, वो क्या होते हैं, इसके रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं। तो उसको क्या करते हैं, हमेशा बट्टा में यूज में लेते हैं, और जो आगे सांद्रता होती है उसको ब्रैकेट में बंद किया जाता है। तो माइनस वन अपॉन बी आर डी बी आर अपॉन डी टी किसके लिए हो गया, आपकी ब्रोमीन आयंस के लिए।
तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसके जो ग्राफ होते हैं, प्लॉट होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। ये हमारे पास में क्या है, कोई प्लॉट है, ये क्या आपकी एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो क्या लेते हैं हमें टाइम, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं सी यानी सांद्रता यूज या काम में लेते हैं। तो जो रिएक्टेंट होते हैं उसके समय के साथ सांद्रता क्या होती है, घटती जाती है। और जो प्रोडक्ट होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, समय के साथ में बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारे को एक अभिक्रिया की जो सांद्रता और समय के साथ में इस प्रकार का हमारे को प्लॉट प्राप्त होता है। कभी भी इस प्लॉट को नीचे टच नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको नीचे टच कर दिया तो हम ये मानते हैं कि रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो गई है। लेकिन कोई भी रिएक्शन हमेशा क्या होती है, कंप्लीट होने में अनंत या इनफाइनाइट टाइम यूज या काम में लेती है, इसलिए कभी भी इसको टच नहीं करना है, हमेशा इसके क्या करना है पैरेलल चलाना है। ये क्या होती है आपकी सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ, ये क्या आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस। इसके बाद में आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अपना है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में सांद्रता यानी कंसेंट्रेशन। कि कंसेंट्रेशन क्या होती है, तो सबसे पहले तो दोस्तों कि कंसेंट्रेशन क्या होती है उसको समझना है। कि तो कंसेंट्रेशन होती है, कोई भी अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई बीकर है, दूसरा बीकर हमारे पास में सेम बीकर है, मान लीजिए दोनों में क्या है एक एक लीटर वाटर भरा हुआ है। इसमें मान लीजिए हमने 10 ग्राम क्या किया है NaCl डाला है, और इसमें क्या किया हमने 15 ग्राम NaCl डाला है। तो जो इसकी जो सांद्रता है इसमें तो कितना डाल रहे हैं 10 ग्राम और इसमें कितना डाल रहे हैं 15 ग्राम। तो दोनों में जो विलायक है वो तो क्या है दोनों में सेम है, और जो ऊपर से मिला रहे हैं वो क्या है विलेय है, और जो मिलाया हुआ जो मिक्सर होता है उसको क्या बोलते हैं विलयन यानी सॉल्यूशन। तो इसमें तो क्या 1 लीटर में 10 ग्राम है और इसमें कितना है 1 लीटर में 15 ग्राम NaCl है। तो सांद्रता किसकी ज्यादा होगी, ये तो मान लीजिए ए मान लीजिए ये बी है, तो दोनों की अगर सांद्रता कंपेयर की जाए तो बी की जो सांद्रता होती है वो ऐसे क्या होती है ज्यादा होती है। तो सांद्रता क्या होती है, जो विलेय के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच की जो दूरी होती है वो अगर क्या है अधिक है तो उसकी सांद्रता कम है, और अगर बीच के पार्टिकल्स की क्या है विलेय के जो पार्टिकल्स है उनके बीच की दूरी अगर कम है तो उसकी सांद्रता क्या होती है अधिक होती है। इस प्रकार बी की सांद्रता क्या अधिक है किसकी कंपेयर में, ए की कंपेयर में। तो हम बात करें कि सांद्रता अभिक्रिया की दर को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो जो अभिक्रिया की दर होती है वो सांद्रता के साथ क्या होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, यानी स्मॉल आर क्या होती है समानुपाती सी। तो जैसे क्या करते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया स्मॉल आर अपॉन सी। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है के सी, कहने का मतलब क्या है सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है उसी प्रकार अभिक्रिया की दर भी क्या होती है बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होगी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका क्या कारण है कि क्योंकि अगर सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो जो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं दोस्तों एक्टिव पार्टिकल्स, एक्टिव पार्टिकल्स क्या होते हैं कि वे पार्टिकल्स जो क्या करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन हमारे पास में किसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट के हमारे पास में कितने 10 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट के 0। अगर टी इज इक्वल टू टी टाइम पर देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि 10 में से 10 क्या होते हैं रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हमेशा क्या करते रहते हैं रिएक्शन करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है तो कुछ पार्टिकल एक्टिव कुछ क्या है इनएक्टिव होते हैं, जिसके पास क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी।
थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी दहलीज ऊर्जा। जो थ्रेशोल्ड जिस पार्टिकल का थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी होती है वो तो क्या होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसमें क्या होती है इससे कम एनर्जी होती है वो क्या होते हैं हमेशा रिएक्टेंट में रहते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट आसान से नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे क्या करते हैं रिएक्टेंट की अगर सांद्रता बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट की क्या होती है बढ़ती जाती है, क्योंकि एक्टिव पार्टिकल्स की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार क्या करते हैं अभिक्रिया की दर को सांद्रता प्रभावित करती है। लेकिन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है, कौन सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक होती है फर्स्ट ऑर्डर, एक होती है सेकंड और थर्ड ऑर्डर। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं वो सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है समानुपाती सी की पावर जीरो, जिसकी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों वन। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, यानी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर सांद्रता बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है उसके में कोई चेंजेज नहीं आता है। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो सी की पावर क्या आ जाएगी इसमें वन, और स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा के सी वन। और अगर सेकेंड ऑर्डर की करेंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा के सी स्क्वायर। ये क्या होती है आपकी सांद्रता के ऊपर अभिक्रिया की दर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये तो क्या हमारा फर्स्ट फैक्टर। और सेकेंड फैक्टर हम देखते हैं प्रेशर, कौन सा है दोस्तों प्रेशर। ये प्रेशर भी क्या करता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं उनको क्या करता है इफेक्ट डालता है। कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं मान लीजिए कोई ये हमारे पास में क्या है एक बीकर है, इसमें इतना क्या है विलयन भरा हुआ है, और इसको क्या हम कर रहे हैं पिस्टन के द्वारा क्या कर रहे हैं प्रेशराइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों प्रेशराइज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया इतना इसको अगर मान लीजिए प्रेशराइज कर दिया, यहां तक क्या कर दिया हमने इसको प्रेशराइज कर दिया है। पहले इतना क्या था हमारे पास में एरिया था, और अब क्या है इतना एरिया है, तो इसमें प्रेशर क्या है कम है और इसमें प्रेशर क्या है अधिक है, किसकी बजाय ए की बजाय, यानी बी में ए की बी में क्या है प्रेशर अधिक है किसकी बजाय ए की बजाय। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो सॉल्यूट जो विलय के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों धीरे धीरे पास में आते जाते हैं, और उनकी दूरी क्या हो जाती है कम हो जाती है। उससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर दूरी क्या होती है कम होती है तो उसकी सांद्रता भी क्या होती है इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे क्या होगी सांद्रता इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब क्या है हमारी जो रेट है वो भी डायरेक्ट किसके क्या है प्रेशर की क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के पी, ये क्या आपकी प्रेशर के ऊपर की जो रेट होती है किस प्रकार डिपेंड करती है। तो कहने का क्या मतलब है जैसे जैसे प्रेशर डालते हैं वैसे वैसे क्या होती है प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है उसकी जो सॉलिड के जो पार्टिकल पास पास में आएंगे और उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी, जैसे इंक्रीज होगी उसकी रेट भी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, यानी अभिक्रिया की दर भी क्या होती है बढ़ जाती है। और ये जो प्रेशर होता है ये जनरली क्या होती है आपकी जो गैसेज रिएक्शन होती है और जो लिक्विड गैसेज होती है लिक्विड में जो रिएक्शंस चलती है उन्हीं को क्या करती है जनरली इफेक्ट डालती है, सॉलिड जो रिएक्शंस होती हैं उनके जो सॉलिड पार्टिकल उनके ऊपर इफेक्ट जनरली नहीं डालती है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं इस कोई ये बोर्ड है या वॉल है जिसको हम क्या करें पुश कर रहे हैं तो उसकी सांद्रता है उसमें कोई चेंजेस आता है क्या नहीं आएगा। अगर जैसे अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो उसकी सांद्रता कहाँ से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो उसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये जनरली क्या होती है जो गैसेज रिएक्शन होती है उन्हीं में क्या करता है ये प्रेशर इफेक्ट डालता है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये दोनों जो फैक्टर होते हैं कंसेंसस और प्रेशर, इसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे टेम्परेचर है कैटालिस्ट है पार्टिकल साइज है रेडिएशन है लाइट है, ये भी क्या करते हैं इफेक्ट डालते हैं। इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जितना समझाया है या पढ़ाया है वो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।